Now, but last but not least, हेवर जने रऊफ भाई के बिलाल गफार साहब छुआ के बचपन में नाड़ना हुआ तो मुझे थोड़ा सो शक थो क्योंकि मुझे वेटे गूगल के जरिए 1997 में पैदा थे रऊफ भाई तो पिंजा वर्ज थे तो या तो आए बहुत जल्दी जल्दी ड्रामा नायल हली वा बो चार वर्ज के अंदर कॉमेडी का शहंशाह ओनली पाकिस्तानी जो इंडिया में ग्रेट लाफ्टर इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सीजन 2 में 2006 की गाल है यहाँ के करीब हो जाए यकीन करो कि शायद पूरे पाकिस्तान जब सर इतना फख्र से बुलंद किया हुआ वक्त में ने शायद जितनी खुशी पनारी रहा खास तौर से मेमन कम्युनिटी ने शोबिस से सर्कल में न सिर्फ पे पड़ोसी मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जिरा जिरा भी व्या वो पाकिस्तान जी ने मेमन बिरादरी जी शान ने आन बनिया ताए बदे जे बड़े इस्तकबाल में एक्टर राइटर एंकर डायरेक्टर पाकिस्तान जी शान मेमन जी आन नाए कोई इन्हीं से आला रऊफ लाला का मैं नाम इसलिए और डायरेक्टर एक्टर और अल्लाह का करम है बहुत से शोबे हैं इन्होंने कोई शोबा छोड़ा नहीं है हर शोबे में इन्होंने मुझे चैलेंज किया कि तुम कॉमेडियन हो कराची का कोई कॉमेडियन सीरियस रोल नहीं कर सकता शफकत चीमा का रोल था इन्होंने एडवांस भी दे दिए थे उसको 3 लाख रुपए उसकी कोई शूटिंग का मसला आया तो इन्होंने कहा मैं डेट वही डेट में करूँगा तो इन्होंने कहा कि ये आपने करना है रोल मैं कहा मैं सीरियस कभी भी नहीं मेरे मुझे दोस्तों ने कहा शकील सिद्दीकी ने कहा कि आपका बनता नहीं है लाला कॉमेडियन है लोग आपको देखने आ रहे हैं कॉमेडी के हवाले से आप सीरियस कर रहे हो और एक एंट्री करता था एंड में और कैसी करता था जाहिद भाई को पता है तो ये भी बड़े सीरियस रोल था वो पहली मरतबा जिंदगी में सीरियस रोल क्योंकि उस्ताद तो अब रहे ही नहीं है हर आदमी उस्ताद बन गया सही बात है बिलाल भाई आपने मुझे बचपन में अपने बचपन में देखा या मेरे बचपन में सही हाजी हाजी साहब के बेटे बेटे में यार हाजी नूरानी हाजी रजाक नूरानी वो फिल्म ड्रामे में कौन जाओ क्या स्टाइल था उस आदमी का और मैंने पहले भी कहा
अगर हाजी साहब जिंदा होते तो मैं बहुत आगे होता। एक वाहिद शख्सियत थे हाजी साहब जो मुझे रात को उठाने के लिए आए थे। एक ड्रामा था लंदन से लंडा बाजार, उमर भाई से झगड़ा हो गया था उमर भाई। मैं जब छोटे छोटे रोल करता था तो घर आ गए थे, यूनुस मेहमान गवाह है यहाँ बैठे हुए, कि तुमने करना ये रोल। तू कहने दो तू तो मैं हॉल पे पहुंचा, फिर वो रोल मुझसे करवाया इन्होंने। उमर भाई भी आ गए थे बाद में उस ड्रामे में। लेकिन हाजी साहब की क्या बात थी। और उस्मान मेहमान के लिए मैं ये कहूँगा भाई, मैं मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। जिस बंदे ने मुझे चलना सिखाया उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, उसकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं। कोरोना का माहौल है उस्मान भाई, थोड़ी टेंशन होती है आपको देख के नहीं, अल्लाह जिंदगी दे। तो आप वो आदमी है जो मुझे, छोटा आर्टिस्ट था मैं उस जमाने में, 3 एंट्रियां करता था मैं। मुझे घर पे मोटरसाइकिल पे आके उस्मान भाई स्क्रिप्ट दे जाते थे, ये मुझे आज भी याद है। बातें तो बहुत हैं, मैं इतना नर्वस हो रहा हूं कि आप यकीन करो मेरी शुगर पता नहीं ऊपर नीचे हो रही है, होंठ भी सूख रहे हैं। पानी मिल जाए तो मैं थोड़ा बोल दूंगा कामदार तेरे लिए भी, क्योंकि कामदार अपना बच्चा है और मेरा इस ड्रामे में पार्टनर भी है फरहान। मैं भेजता हूं इसको कि यार फरहान वटे भी नहीं कम कराना ही करी ना, तो कहीं नहीं फला जगह फला जगह, तो जाते हुए एड्रेस दे देना आप लोग, क्योंकि हमको आना है आपके पास, इस कौम के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कुछ करना है। मैं मेमनी ड्रामा, ये मेरा ड्रामा किया हुआ है और हमने किया था कराची क्लब में। तो यंग लड़के जितने भी थे मेमन वहाँ कराची क्लब में, उस्मान भाई दूर खड़े हुए थे, बुजुर्ग हैं, औरतें और सारे आके बैठ गए थे ड्रामे में आके, वो लड़के खड़े हुए थे दूर। ड्रामा बोला भाई कौन देखेगा मेमनी ड्रामा, ये जब ड्रामा शुरू हुआ वो सब आके बैठ गए आगे, और घर वालों से बोलने लगे, अपनी वालदा से अपने वालिद से, कि क्या ऐसा था इस ड्रामे में। मैंने स्क्रिप्ट से हट के जो बातें की थी और जो एडजस्ट की थी, कि हमारी माएं हमें लसन खिलाती थी, लसन जो पांजेरा लसन बन लो ना, भुड़तो बनायो नहीं करो ना वो करो, वो सारी तरकीबें मैंने बताई। हमारी ऑडियंस जितनी भी थी ना वो सब एंजॉय कर रही थी, और सब यही सोच रहे थे बिलाल भाई आपकी तरह कि ये बहुत पुराना आदमी है, लसन जी तरकीब बता रही है यार, वो लसन बनना आए खा दिया उन्हें खबर है जी उम्र तय वो जो 16 साल है आएंगे लसन खिला। तो लसन डूंगरी लंबी ही करो बच्ची। मैं एक किस्सा सुनाता था ढोकरे वालों को, किस्सा सुना ढोकरा ढोकरा, जितनी ओल्ड पब्लिक थी ना हमारी बेटी भी जितने, वो पागल हो गए हंस हंस के। मैंने देखा इतना, मैंने बुजुर्ग मेहमान औरतों को पहली मर्तबा इतना हंसते हुए देखा, वरना तस्वीरें पढ़ते हुए देखा, कसम खुदा की मेहमान वाकई में। जो इकबाल भाई ने सुनाया किस्सा के कुरो है, तो ये सही बात है। मेहमान अल्लाह का शुक्र है, ये ड्रामा, ये इसमें जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं सब अपनी अपनी जगह नगीने की तरह फिट है। ना ना रेंडियो ना दमवर में पड़े लो है वो, ना 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 इंजी वजह से रोके लो है यार। अब उम्र का तकाजा ये मेरे को बता के चलेगा, कसम खुदा की आप अपने एक सदा जवान रहना है ना, एक बहुत अच्छी आदत बताता हूँ, आपका इखलाक भी अच्छा हो जाएगा। छोटे को बोला करो क्या हाल है लाला भाई, सही है शकील भाई, सही हो भाई, बोलो तो अपनी उम्र का एहसास होता अपन इनसे छोटे हैं, वो इज्जत भी करेंगे और मर्तबा भी अपना भी बढ़ेगा कि यार ये बंदा छोटे को भी भाई कहता है। तो उस चक्कर में हमको पता ही नहीं चल रहा, वैसे अल्लाह का शुक्र है अजीब ही जवान है अभी भी। इस ड्रामे में इतना मेरे को भागदौड़ होती है, पहले हमने किया यूनुस मेहमान इसके डायरेक्टर थे, अब कामदार राइटर डायरेक्टर हैं, और हमारा बैठा हुआ यार तो ये नाम मेरे जहन से निकली हुई है यार, होकला मोकला कर नाम भी तेड़ा है ना, आमिर होकला इसका भाई हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, तो आमिर होकला भी उस जमाने में था। तो हमने ये ड्रामा किया था, इस ड्रामे की थोड़ी सी थीम अगर इजाजत हो तो मुझे बुला ली मैं सुना दूँ, कि ये ड्रामा मैं आप सबको बोलूंगा जरूर देखना,
आम ड्रामों से बिल्कुल हटके मेमन कम्युनिटी के ऊपर है, और सारी इसकी स्टोरी जो है ना वो मेरे ऊपर घूम रही है कि इसका नाम था पहले धनी बैठो रही सामने, यानी कि दूल्हा मेके में या मियाँ मेके में। तो मैं ससुराल डिफेंस से नाराज होकर वापिस आ गया हूँ अपने घर पे, इधर कहाँ पे मीठाधर खाराधर रंचोलेन में, कि यार मिके उड़ा सहूलत तू नहीं मिल लू बा हाँ तो रिया उड़ा यार आई लोग मिके उड़ा 8 बजे कि नहीं मैंने 8 बजे बंद करी दिया था, डिफेंस में अंधारा थी मैंने अंदर 8 बजे कोई नारे लाइन तो मिले बारह निकले मारू नारे कोई जो मोबाइल छीनू है कोई गिनी नहीं गिनी यार बोलो तीनू नवो गिनी गिन इधर मजा नहीं अच्छा। रंचो लेन में तो सवारे 6 बजे भी मारू निकले 40 में वो मंजन से यही मालिक करो नीचे ने हाँ गफर करो दियो मोबाइल लुटाई भी मुबारक यार मुबारक शाबाश तो कोई केयर चुई भी 6 बजे निकले जो। तो मैंने कंपेयर किया है कि नाराज होकर सिर्फ इस वजह से ससुराल से आ गया हूँ कि मैं घर दामाद हूँ, मेरे से बर्तन मंजवाओ झाड़ू दिलवाओ मेरे से कपड़े धुलवाओ घर का खाने पकाओ सफाई करवाओ घर दामाद हूँ जो होता है। तो तुम लोग मेरे को इतना सुकून से क्यों रखा हुआ है, एसी खोलो बीवी बोलती है क्या नहीं आए स्विमिंग में आए खीर पी गिनो कुरेला खीर पी गिनो भाई हम कुरेला गाँव नंडो बच्चों यहाँ बिगे खीर पूरे रही थी स्विमिंग में आई आई जो मत्थो दबाई दिया कुरेला दबा नो आई स्विमिंग में लेटे लो यहाँ कुरेला भाई। तो मैं खाम खा के पंगे लेके उधर से आया हूँ कि यार मैं कैडा रहनू नहीं डिफेंस में मिके उड़ा विनु है जिदा मिके खबर कोई गांव आवाडी ने चाहे गफार कलेजी ने डबल रोटी मोकल तो नीचे से आवाज दू बिल्डिंग के तो वो माहौल को वो तरस गया ये बंदा डिफेंस में। तो यहाँ वापस आया तो इसका सिर्फ मसला ये है कि मेरी बीवी मेरे से काम नहीं करवाती है मेरे को आराम करवाती है, और एक कैरेक्टर ऐसा है जो नाराज होके आया कि उसके उसके घर ससुराल वाले उससे काम करवा रहे हैं वो भी घर दामाद है। तो वो ये आया नाराज होकर आजकल का लड़का है पढ़ा लिखा के यार मैं नहीं रहता हूँ मेरी बीवी कहती है कपड़े धो फला दो ये वो। तो ये कंट्रास्ट दिया इसमें राइटर ने और बहुत अच्छा ड्रामा है, और लड़कियाँ इसमें सारी मेरा ख्याल है शान से बैठी है, महक है, महक का नाम आप भूल गए थे यार आप सॉरी बोलो हाँ सही सॉरी बोल रहे महक है इनको बोलो आके हाँ चलो अब आप लोग की सलाम दो हो गई मेरा काम खत्म। तो शानजे है महक है अपना सपना है और शाहिदा मुर्तुजा है और हमारे मूना डॉक्टर और आपका थोड़ा नाम मेरे जहन से नहीं है सदफ अब्दुल कादिर नारी खिलाती है रेलसल में इस रेलसल में पाए लेके आना है सदफ तूने। तो डॉक्टर मूना तो हमारी सीनियर आइटम बहुत इज्जत करते हैं इनको वजन ज्यादा है इनका तो हमने पोस्टर में भी इनको कुर्सी पे बिठाया पोस्टर में बैठे बैठे थकी ना मैंने पोस्टर में नहीं थक जाए इसलिए। और बहुत सब ने इतनी अच्छी मेमनी बोलती हैं ये लड़कियां कसम खुदा की इकबाल भाई कि दिल चाहता है काश ये मेहमान होती खुदा की कसम इकबाल भाई कह रहे तुमसे कुछ नहीं होता चलो बच जाना आप तुम लोग बहुत अच्छा काम करती हैं। और लड़के तो तकरीबन हमारे आर्टिस्ट मेहमान भी हैं उर्दू स्पीक भी हैं जबान कोई भी हो ड्रामा तो हम सब मैंने पंजाबी ड्रामे भी किए हैं मैंने सिंधी ड्रामा किया है मैंने उर्दू किया है मेमनी ड्रामा मैं जब भी मुझे कहते हैं तो मैं कहता हूँ यार अच्छा स्क्रिप्ट होगा अच्छी कहानी। उस्मान भाई के ड्रामे का तो खैर वो ज़माना चला गया लेकिन इनके जो ड्रामे थे मैं अभी जाहिद भाई को यही बता रहा था कि पाकिस्तान TV पे इनका ड्रामे का कमर्शियल चलता था मैं सही कह रहा हूँ उस्मान भाई हाँ ताबानी बिल्कुल सही चोरिया ताबानी आज मुँह धो के आया तेरे को बता चमक रहा है देख तो ये ताबानी है पांजे दुबई में वही तो पांके घुमा लेगी नहीं मिनू बिरयानी खरा नू पैसा पांके डीना खपना लिया रही होटल जी अल्लाह तो बिरयानी खिला। तो कहने का मकसद है उस्मान भाई के ड्रामे होते थे उससे सीखा उसमें कहानी होती थी HB खान साहब के होते थे। तो अब जो ये नए लड़के लिख रहे हैं आमिर होकला है आफ्ताब कामदार है जो कर रहे हैं ये मेमनी ड्रामे उस कल्चर को दिखाने के जो हमारे लड़के नौजवान भूल गए हैं हमारे कल्चर से दूर हो गए हैं वो इंग्लिश बोलते हैं उर्दू बोलते हैं उनको बताना है कि मेमनी जबान क्या है मेमन क्या है ये मेमन सिर्फ ये नहीं कि बता रहे भाई बेटा भाई बेच रहा है चीज़ें
आजा भाई ले लो ले लो ले लो। बीवी भी बुरके में आ जाए तो आके कहती है भाई कितने का दिया, वो भी कहता है बहन क्या चाहिए, वो भी नका बना के दिया कुछ नहीं चाहिए, घर आ जा तलाक चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ मेमनी ड्रामा हो रहा है फेस्टिवल में, इसके लिए जब कामदार ने मुझे कहा तो मैंने कहा यार मैं और कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, एक अपना ड्रामा करूँगा, एक शकील सिद्दीकी का और एक ये। तो अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे। कामरान ये अपना कामदार बहुत मेहनती है, इतना अच्छा है, पाई पाई का हिसाब दे रहा है भाई। ऐसा कोई डायरेक्टर होगा, मैं कहीं और से आ रहा हूँ, मेरे लिए दुकान से पान भी लेके आया मेरे, जहाँ से मैं 40 साल से खाता हूँ लाला के लिए। तो कामदार के लिए तो मेरी जान हाजिर है। आदम राठौर बैठे होंगे यहाँ, राठौर भाई का मैं क्या बोलूँ, राठौर भाई का बड़ा ये एक सपोर्ट है कि इन्होंने बहुत आगे बढ़ बढ़ के इस फेस्टिवल के लिए काम किया। और जैसा इकबाल भाई ने कहा शाह साहब को, तो शाह साहब को तो सलूट करना चाहिए कराची के आर्टिस्टों को के 8 महीने तकरीबन हम लोग 9 महीने तो माँ के पेट में रहते हैं, 8 महीने अपने घर में रहे हम लोग अभी जो लॉकडाउन की हालत थी। इसके बाद आर्टिस्ट परेशान हो गए, काम खुलेगा कुछ आर्टिस्ट, लेकिन इन्होंने ऐसा फेस्टिवल का तरतीब दिया कि मैं समझता हूँ हर आर्टिस्ट 4-5 ड्रामे कर लेगा, कवरिंग हो जाएगी इसकी। तो ये शाह साहब को एहसास जाता है कि वाकई में ये मतलब वो वाली बात तो है नहीं, शाह साहब अगर काम नहीं कर रहे होते तो शाह साहब इतने टाइम से आर्ट काउंसिल में कायम नहीं रहते, कई आए गए। मुझे खुशी है इस ड्रामे की, इसमें हमारे बिलाल भाई हैं, भाई साहब के साहबजादे हैं, हमाद भाई को आज देखा है, हमाद भाई तो हमारे आदमी अपने हैं, है ना हमाद भाई, कम से कम 50,000 रुपए का है, सही है भाई सपोर्ट। हम अपनी साथ में नहीं कर, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत है। हम चाहते हैं मेमनी ड्रामे में आर्टिस्ट जो काम कर रहे हैं ना उनको मिले, वरना ये जहन बना के बैठे मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 लाख का बजट है। मैं आपको बताऊं नजर भाई 1 लाख का बजट है यार, 1.5 लाख तो मैं लेता हूँ, ये क्या घर बेचेगा अपना। तो जहन बना लो, जिस जिसने दूसरे ड्रामे पकड़ने पकड़ लो, मजाक कर रहा हूँ। आफ्ताब ने सबसे पहले कहा कि ये जो लड़कियाँ जो आप लोग को क्रेडिट जाता है वाकई में, उर्दू स्पीक हैं और आप लोग इतनी अच्छी मेमनी बोलती हैं इकबाल भाई, कमाल लगता है। ये जितनी लड़कियाँ कोई गफ्फार की बेटी लग रही होती है, कोई सत्तार की बेटी लग रही होती है, इतना अच्छा बोलती हैं अल्लाह की कसम, और मज़ा आता है। सब मेरी बेटियाँ, मैंने नाम ही अपना लाला रखा है, मैंने नाम ही लाला का मतलब भाई है भाई, सब मेरी बहनें सब मेरी, हाँ नहीं आपको भी कहना, हाँ इकबाल लतीफ लाला दो आदमी, इतनी बेटियां बहनें अपनी होंगी अपन क्या बैंक लूट के शादियां करेंगे कौन। हाँ बेटा बस तुम लोग अपने काम कर लेना, हम लोग बैठ के ये हुक्का पियेंगे, मैं बीड़ी पीता रहूंगा। तो मैं बहुत खुश हूँ सिद्दीक राजा बैठे में, ये भी बड़े सपोर्टर है हमारे, हाँ हाँ साईं भी हैदराबाद से भी आए हैं, इनका भी ड्रामा है, इधर करेंगे फिर हैदराबाद में भी करेंगे ये इंशाल्लाह। और मैं ये मेमनी ड्रामा हैदराबाद में भी कर दूंगा, मैं करूंगा, कामदार आपसे मेरी बात हुई है, जैसे ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह तो हैदराबाद में इसकी डेट ले रहा हूँ, वहाँ करेंगे। नहीं नहीं बहुत दूर हो जाएगा, फिर देखो काम है शाम में इधर घर पर कर, इनका करना है, हाँ तो फिर सही है, बात कर ले ओके। ये मैं सही बता रहा हूँ ना यार, देखो आज शाह साहब के पीठ पीछे बात हो रही है कि उन्होंने कहा पिछले फेस्टिवल में 50,000 दिए सबको, इस फेस्टिवल में 1 लाख दिए, अगला फेस्टिवल आएगा इंशाल्लाह वो 1.5 कह रहे हैं, लेकिन हम 2 से कम नहीं लेंगे, ये कंफर्म। तो वो कर रहे हैं, तो ये रोशनियाँ वापस आ रही, रोजी रोजगार बन रहा है। और मैं तो कहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप सबको मेरी तरफ से आपको दावत है, ये ड्रामा ज़रूर देखना, अपनी फैमिलीज के साथ आके देखना, क्योंकि आप इतनी मुश्किल मेमनी नहीं है क्या आपकी समझ में नहीं आए, मुश्किल मेमनी होती थी उस्मान भाई के ड्रामे में, चमकीला मेमन था एक लफ्ज नहीं निकल रहा था, चमकीले पे गुस्सा किया उस्मान भाई ने, बुढ़िया तो उसे फटाक नहीं निकली रही, एक वो यूं करके वो मारता था एंटर और मुंह से बोलना था फटाक, वो
वो चमकीला अल्लाह जन्नत नसीब कहता था सपा सपा ये सपाक ना फटाक तू पैसे अच्छे तो पैसे मतलब पैसे किए ना जो पे दुकान तो हुई तो उस्मान भाई एडा किए ना तो जब उस्मान भाई कसम खुदा की हम तो तय दिल से इज्जत करते हैं खैर अल्लाह इनको जिंदगी तो बहुत सीखा नज़र हुसैन साहब से बहुत सीखा इकबाल भाई तो मेरे खैर भाइयों की तरह हम लोग एक दूसरे से मस्ती मजाक भी कर लेते हैं तो हम दोनों एक ही उम्र के हैं बस ये कि डिस्टम्बर किया हुआ है उधर नहीं है वहाँ रजाई फट गई है पूरी रुई निकल आई है तो मोहब्बत इकबाल भाई की इतना सब चाहते हैं रऊफ आलम बैठा हुआ है देखो कसम खुदा के तोशीबा के ज़माने का है वो पीला टीवी नहीं आता था वो ब्लैक एंड वाइट जिसके दरवाजे खुलते थे उसमें इसके प्रोग्राम आते थे कसम खुदा के है बोलता पूरे 50-50 में इकबाल भाई बोला नहीं है कहीं बैठ के रो रहा है रोते हैं छम छम ने वो हिट हो रहा है भाई उस जमाना ऐसा था टीवी स्टेशन का आ, मैं इसको देख के हैं सही बात है ये चुप रहता था ना उसमें रिकॉर्डिंग में भी चुप अपने एपिसोड में चुप तारा भाई और ये लोग आपस में बातें करते थे ये चुप है इसका मतलब इसका काम हो गया तो ये मैं मेरी वालदा दाखिल होती थी लियाकत हॉस्पिटल में तो मैं दोपहर को रोटी देने जाता था फिर शाम को आके टीवी स्टेशन का जो मेन गेट था वो गली में था वहाँ आके मैं आर्टिस्टों को देखता था यूं यूं करके कसम खुदा की मेरे को ये नज़र आ गया कि ऐसा मगरूर होकर जा रहा है 50-50 उस जमाने में उस्मान भाई वो ऐसा ही अपने मस्ती में जा रहा है वो मैं दूर से दूसरे को आदमी को कह रहा हूँ खड़ा भाई रऊफ आलम वो दूसरा कह रहा हाँ यार इसको देखा है मैंने बोलता नहीं है मगर है अच्छा आर्टिस्ट फिर इसका ये हिट हुआ फिर मैं जब आदम जी में ड्रामे कर रहे थे ये आदम जी में आया उस्मान भाई ये मेरे पास आके क्या बोल रहा आदम जी में यार मेरे को आपसे एक बात करनी है मैंने कहा क्या आपका नाम मैंने कहा रऊफ लाला अच्छा मैं खुश यार टीवी आर्टिस्ट मेरे को रऊफ आलम बोलते हैं मैंने कहा तो सर आंखों पे भाई क्या काम आप अपना नाम बदल लो क्यों मेरा नाम क्यों बदलो नहीं लोग मेरे को रऊफ लाला बोलते अल्लाह पाक की कसम पूछ लो मैं इसके मुंह पे बोल रहा हूँ यार मैं कहा तू तो टीवी आर्टिस्ट से ही है तो को कुरे ले रऊफ लाला नहीं हुआ अखबार में ज्यादा छपता है ना पोस्टर मोस्टर दीवारों पे तो रऊफ लाला मेरे को आवाज आती है रऊफ लाला है आज आज देखो मैंने जो सोचा अल्लाह ने पूरा किया उस्मान भाई मैं सोचता था कभी कमर्शियल ड्रामा में काम करूंगा मेमरी ड्रामा में मेरे दो उस्ताद आदियाँ नहीं है दुनिया में अपना रजाक राजू मरहूम लियाकत सोल्जर मैं आज नए आने वालों के लिए एक बात बताऊं कि लियाकत भाई की मैंने टांगे दबाई हैं दबाने नहीं देते थे वो लेकिन सुबह उनके घर चला जाता था उनकी खिदमत उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं स्क्रिप्ट पकड़ के पोस्टर लगाने एक दिन लियाकत भाई पोस्टर लगाने इनको बार बारिश इतनी तेज बारिश मैंने कहा लियाकत भाई पोस्टर किधर लगाने अरे तो क्या हो गया बारिश हो रही हाँ तो लाला तुम तो मत मारा वो शुरू सपड़ा है बोला इधर अंदर आ रही है मैंने कहा नहीं लगाओ ऐसा आदमी था यार राजू साहब तो खैर मैं आज भी उनको रूहानी उस्ताद मानता हूँ बड़े उनके साथ पहला ड्रामा किया और एक बड़ी पार्टी ने मुझे पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है बोलने का अल्लाह जिंदगी दिया है उम्र जी गाल करिए थोड़ी थड़की भी हुए हैं तो पहला ड्रामा हम लोग कर रहे थे आदम जी में मैं छोटे छोटे रोल करता था उस्मान भाई मेरे को मेरा ख्याल 25 रुपये देते थे आप पर शो उस जमाने में 25 रुपये आज भी उस्मान भाई ड्रामा करेंगे तो वही बात करें 25 लेना है तो कर सीधी बात है तो कुछ मैं तो कहता हूँ 25 भी ना ले आदमी इनके साथ काम करे कुछ ना कुछ तो मिलेगा आगे तो मुझे एक पार्टी का फोन आया बड़ा बड़े लेवल का ड्रामा था मेरी उनसे डील चल रही थी और डील क्या थी रोल क्या था मेरी एक एंट्री करनी उस ड्रामे में तो एक कैंटीन के पास उस्मान भाई मुझे मिल गए इनकी अपनी कैंटीन थी आदम जी कहने यार तूने नो पार्किंग ड्रामा करना है मेरा मैंने उनसे पूछा मैंने कहा उस्मान भाई कह रहे हैं उन्होंने कहा आप उनका कर लो या हमारा कर लो मैंने उस्मान भाई का ड्रामा किया उसमें उमर भाई भी थे हम लोग की रिहर्सल होती थी कर्फ्यू के अंदर पास बना के उमर भाई को भी दिया था और सबको पास बना के दिया था मुझे कभी कभी लेने भी आ जाते थे बाइक पे मेरे पास बाइक तो थी नहीं
अभी भी नहीं है भाई, गाड़ी आ जाएगी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह 3-4 दिन में। तो उस्मान भाई ने सबको पास बना के दिया था और 3 घंटे के लिए कर्फ्यू खुलता था, मुझे पता है। उमर भाई कस्टम में आते थे, नजर भाई 3 घंटे की रिहर्सल करके जाते थे और मैं भी 3 घंटा क्या, मैं क्या, बड़े बड़े स्टार थे, मतलब परवीन अकबर, सलमा जफर, फिल्म स्टार आगा सिकंदर, बहुत बड़ी कास्ट थी उस जमाने की। उस ड्रामे में 3 घंटे ड्रामे की रिहर्सल होती थी। एक बड़ा अच्छा एक किस्सा आ रहा है उस्मान भाई को आज देख के तबीयत, कि आगा सिकंदर फिल्म स्टार थे तो उस ड्रामे में थे, मैं भी था। उसकी एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, एक अपना हाथ नहीं है, तो बड़े अच्छे डायलॉग लिखे हुए थे उस्मान भाई के, ये हाथ मैंने उसको दे दिया, ये आंख मैंने फला को दे दी कि देखना इंसाफ देखो, ये वो। एक बंदे की हर चीज एक एक कम है, वो कैरेक्टर था। तो उसको याद कराता था अल्लाह जन्नत नसीब करे, नसरू नसरू आगा सिकंदर साहब को याद करवाते थे, डायलॉग को याद नहीं होते थे। उस्मान भाई बिगड़ जाते थे, जब उस्मान भाई बिगड़े तो फिर अल्लाह माफ करे। बंदा यही पहली सोच ही आती थी, अरे कल से रिहर्सल में ही नहीं आना, ड्रामा ही नहीं करना इनका, क्योंकि सख्त इतने थे। तो मैं तो खैर इनका लाडला था, करता था। तो नसरू ने उनको आगा भाई को प्रॉन करता था, सिखाता था कि यार ये बोलना है डायलॉग, ये बोलना है। एक दिन आगा सिकंदर की फिल्म रिलीज हुई है, इनकी फिल्म रिलीज हुई, उस्मान भाई ने बोला कि यार वो आगा की तो फिल्म रिलीज हुई है, ये नसरू क्यों नहीं आया। बोले नसरू पता नहीं आज आया नहीं, आज आगा की फिल्म रिलीज हुई। तो उस्मान भाई कह, क्या फिल्म में भी प्रॉन कराने गया है? कमाल की यार बातें। और मैं तो खैर इन लोगों से ही सीखा हूँ, इनके पाँव की खाक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आज जितना भी कोई सीन ऐसा होता है उसको करना होता तो जहन में लियाकत भाई को ले आता हूँ, मेमनी ड्रामा, HP खान साहब का कुर्बानी जो बकरो किया, राजू साहब वाला रोल करवाया, मेरी तो पहले हवा ही निकल गई, मैंने कहा यार राजू साहब का रोल, बोले नहीं ऐसे करना है। और खान साहब का स्टाइल, राजू साहब का स्टाइल, मेरा स्टाइल, मेरा ख्याल है तकरीबन मिलता जुलता है। वो पोता लेकर मारना दीवार पे, हेलो आई जी हाँ करो, ये पूरा मुझे सिखाया आप लोग, ये इन लोगों ने, जो आज मैं खड़ा हूँ अपने बच्चों की रोजी कमा रहा हूँ, और अल्लाह ताला का करम है। और मेरी नेक दुआएं तमन्नाएं फरान तो ककड़ी नसीहत है कि ऐसा के सपोर्ट करनी है तू बेटा फुल सारे तरीके से, ठीक है। अब मैं अपनी तकरीर का जो है इख्तिताम करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो इस ड्रामे में काम कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपका ड्रामा कामयाब हो। और उन मेहमानों का मैं वेलकम करता हूं जो आज की तकरीब में आए और हमें इज्जत दी। सर बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई, बॉस हमाद भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोग आए, क्योंकि मैं भी इस टीम का हिस्सा